ओके सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल अगेन. अभी मैं जा रहा हूँ कुआलालंपुर PMCO के जो ग्लोबल फाइनल और प्रीलिम्स यहाँ पे होने वाले हैं, बिकॉज NTT टीम के साथ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ. बट उनकी जो एयरप्लेन की टिकट्स थी वो थी 1 बजे के आसपास दोपहर को, बट मेरी टिकट्स है अभी 11 PM के आसपास रात को. NTT की टीम अपनी पूरी की पूरी पहुंच चुकी है मलेशिया में, एंड सोल की भी टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है. INDI एंड INSO कल ही पहुंच चुकी थी. आई एम द लास्ट वन जो कि मलेशिया पहुंचने वाला है, बट इस बार मजा आने वाला है बिकॉज सारे के सारे व्लॉग्स इस बार के वहाँ पे मलेशिया के गोना बी लिट. एंड ग्लोबल फाइनल्स में दिखाऊंगा वहाँ पे कैसे प्रिपरेशंस वगैरह होती है. अब पता नहीं मेरे को एक्सेस होगा नहीं होगा वहाँ पे. सो पूरा एक पूरा फन एलिमेंट मैं यहाँ पे शूट करने वाला हूँ इस बार, एंड मलेशिया के सारे व्लॉग इस बार बढ़िया होने. सो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करे तो मेक श्योर डिट द सब्सक्राइब बटन. एंड अगर आपको इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना है वहाँ पे भी कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे बिहाइंड द सीन्स में बहुत सारी स्टोरीज अपलोड करने वाले, एंड ऑल्सो थोड़ी बहुत पिक्चर्स भी मैं अपलोड करूँ. तो ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे जाके यू कैन फॉलो मी ओवर देयर. एंड करो भाई फॉलो वहाँ पे जाके, बिकॉज स्टोरीज आने वाली है बहुत सारी. सो इस बार कॉन्टेंट भी बहुत सही आने वाला है, बिकॉज अभी यहाँ पे मैं कुछ कास्ट वगैरह नहीं कर रहा, कोई भी गेम कास्ट नहीं करनी और कुछ भी सेकेंडरी चीज नहीं करनी. सिर्फ मेरे को NTT टीम के साथ रहना है एंड ये सारे व्लॉग्स बनाने आप लोगों के लिए. एंड इस बार सिर्फ मैं व्लॉग्स में फोकस कर सकता हूँ, तो मलेशिया का भी मैं बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूँ इस बार. एंड ओवर देन दैट यहाँ पे आज 22nd of November है, मैं यहाँ पे December 2nd तक रहने वाला हूँ, तो 10 दिन पूरे के पूरे आप लोगों को व्लॉग्स देखने को मिलेंगे. फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बहुत टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 40 मिनट्स ये लोग लेट कर चुके हैं. सो बोर्डिंग टाइम था यहाँ पे 10:30 बजे के आसपास का, बट 11:15 जब टेक ऑफ करना था तब बोर्डिंग हो रही है. सो ऑलरेडी वी आर लेट. ओके सो अभी जस्ट मैं कुआलालंपुर के एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा हूँ, बट यहाँ पे सीन है कि मेरे पास नेट और सिम कार्ड, मैंने कुछ भी परचेज नहीं करा हुआ है. होटल का भी मेरे को कोई डिटेल नहीं दिया, कहा तक मैंने उन्होंने होटल का डिटेल दिया था बट वो गलत था, तो मेरे को व्हाट्सएप पे चेक करना पड़ेगा. उसके लिए नेट चाहिए. सिम कार्ड परचेज करके यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं दिख रहा यहाँ पे एयरपोर्ट से सिम कार्ड परचेज करके. आई गो टू द होटल. ओके सो सिम कार्ड भी ले लिया है अभी, होटल का नाम भी पता चल चुका है. अभी जस्ट जाना है टैक्सी ढूंढनी है सबसे पहले, 1 घंटे दूर बता रहे हैं यहाँ से. सारे सारे प्लेयर्स पहुँच चुके हैं ऑलरेडी, आई एम द लास्ट वन गोइंग देयर. वेयर इज द टैक्सी स्टैंड? ओके थैंक यू. टैक्सी यहाँ पे खड़ी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, देखते हैं कितना चार्ज लगता है. यहाँ से 1 घंटा दूर है, अब यहाँ के चार्जेस मेरे को पता नहीं कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं. और फाइनली एक कैब मिली है यहाँ पे 150 रिंगिट की, एंड एक्सपेंसिव है, बट यहाँ पे सारी की सारी टैक्सीज का सेम ही रेट है. सो अभी बस अपने को पहुँचना है होटल. गवर्नमेंट फिक्स प्राइस है, अब इसमें कुछ कर तो सकते नहीं. सो 150 रिंगिट महंगी है, बट होटल पहुँचेंगे अब इजीली. देखते हैं होटल जाके कि क्या कर रहे होंगे अपने प्लेयर्स. एंड आज मेरे ख्याल से अपना प्रीलिम्स भी स्टार्ट हो रहा है, तो INDI INS एंड सिनर्जी का स्क्वाड ऑलरेडी रेडी होगा वहाँ पे स्टेडियम में जाने के लिए. तो देखते हैं आज का डे कैसे जाता है. पहुंच चुका हूं मैं होटल, जैसे जैसे करके पहुंचा हूं, बट अभी कहां तक भाई वेट कर रहे हैं मेरा 9th फ्लोर पे. ओके सो अभी अभी जस्ट अपने रूम में पहुंचा हूं, एंड यहां का व्यू देखो सबसे पहले. इट इज लेट. टाइम लैप्स बनाने में मजा आएगा, अभी एक टाइम लैप्स यहां पे रिकॉर्ड करते हैं. एंड जॉन यहां पे सो रहा है, तो मैं ज़्यादा आवाज़ नहीं करूँगा. कहां तक भाई अभी वॉशरूम में गए हैं,
एंड देखते हैं आज का क्या सीन है पूरा, बिकॉज 23rd है आज एंड प्रीलिम स्टार्ट हो रहे हैं. अभी तक कुछ भी शेड्यूल पता नहीं है हमें, इनको भी कुछ पता नहीं, इनको भी सिम कार्ड अभी जस्ट मिलने वाले हैं. सो आई होप कि यहाँ से आज 3 या 4 बजे के आसपास प्रीलिम स्टार्ट हो जाएंगे एंड हमें भी एंट्री मिले. जॉनी भी उड़ी है, तेरी आंखें तो दिखा, आंखें तो दिखा भाई, इसकी आंखें देखो ऐसे क्या करके से बताओ तो. यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं खाने के लिए. आज कुछ अच्छा सा ढूंढना पड़ेगा कोई इंडियन रेस्टोरेंट, वरना तो काम नहीं चलेगा, कुछ हेल्दी चाहिए रहेगा. सो टाइम लैप्स ऑफ दिस इन 1, 2, 3. ओके सो सारे के सारे जो लेट लौंडे थे अपने एनडीटी के, अब वो आ चुके हैं. एंड सोल का जो भी फोटोशूट वगैरह वो कल होने वाला है, बट एनडीटी का आज है, सिनर्जी का भी कल है एंड प्रीलिम्स के मैचेस भी अभी शुरू होने वाले. तो सारी टीम्स आईएनडी आईएनएसएन सिनर्जी भी थोड़ी देर बाद आने वाले. बाय द वे स्टेडियम अभी कुल भाई बता रहे थे कि प्रीलिम्स का अलग है एंड फाइनल्स का अलग है, जगह एक ही है बट वहाँ पे स्टेडियम्स डिफरेंट है. ओके सो ये जगह है जहाँ पे प्रीलिम्स होने वाले हैं, ये ऐसे टेबल रखी हुई हैं एंड नेक्स्ट 3-4 न्यूज होने वाला है. अपना इंटरव्यू टीम का शायद यहाँ पे है, इंटरव्यू और जो भी फोटोशूट वगैरह सारा यहाँ पे. हम लोग तो बस खाने की काउंटर ढूंढ रहे बिकॉज हम लोगों ने कुछ खाया नहीं और यहाँ पे कुछ खाने लायक है भी नहीं है. बट हम लोग सारी इंडियन टीम्स ने बोला है कि PUBG टीम को कि हमारे से खाया नहीं जा रहा है एंड वी नीड समथिंग, हमें जगह बता दो हम जाके खा लेंगे. बिकॉज यहाँ पे कल जो इन लोगों ने खाना, मैंने आपको खाया था, खाना दिखा था रूम में, सो ऐसा खाना दे रहे हैं अभी बिकॉज यहाँ पे और कुछ अवेलेबल ही नहीं है. ओके एंड एक और चीज़ यहाँ पे इंग्लिश कास्टर्स की मैं डेस्क दिखा दूँ. अगर ये कास्टर डेस्क हमें सेम मिली थी बट यहाँ पे जो सेटअप है पूरा बैकग्राउंड के साथ, अगर ऐसा प्रीलिम्स का हिंदी कास्टिंग को मिले तो भाई एकदम मजा आ जाएगा. अगेन ओशन करने वाले कास्टिंग इस बार मैं नहीं करने वाला, इन क्रैट भी बिजी है कहीं पे हैदराबाद, उसका ESL प्रीमियरशिप का कुछ और काम है. बाकी एनालिस्ट का भी एक प्रॉपर अलग सेक्शन है यहाँ पे एंड यहाँ पे इंग्लिश कास्टर्स बैठेंगे. मेरे ख्याल से ट्रायो कास्ट करेंगे, दो कास्टर्स होंगे, एक डेस्क होस्ट रहेगा जैसे हमारा उसमें था PMCO के रीजनल फाइनल्स में. यहाँ पे सबका इंटरव्यू चल रहा है, थोड़ी देर बाद अपनी इंडियन टीम्स भी आएंगी. INS नीचे बैठ के चल मार रही थी, मतलब इंडियन टीम्स आराम से आती है, कोई वीडियो वाली बात नहीं. अभी एक एक धीरे धीरे करके सारी टीम्स आ रही है, प्रीलिम्स आज होगा, मजा आने वाला है. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जॉय. जॉय? या. गुड लक सर. नाइस टू मीट यू बडी. यस सर. No, I'll be posting it tomorrow. Yes. maybe yeah. Day after tomorrow, because actually, I have to edit it also. Actually today is good. Today okay. is good so about. ओके सो यहाँ पे सारे के सारे लोग चल रहे हैं, मतलब वो यही बोल रहे थे कि प्रीलिम्स का जो भी अभी शूट कर रहे हो वो कल जाना चाहिए, अभी नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए थोड़ा बहुत सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए. मैं ना रिवील करूँ. Ken, what about you? You haven't told you are coming over here. How are you? How's it going? I'm good. How are you? I'm good. Ray's over here. Or hello everyone. So he's Ken. आप लोगों ने देखा होगा. He was with me throughout the whole event in Dubai PMSC and now we are meeting after a year I think. Yeah, we meet everywhere in the world. What a small hopefully world. In the next event also. कुछ लोगों ने पुराने viewers ने पहचान लिया होगा कि who is he. So yeah. Yeah, I see. He's Ken. ओके सो अपनी एनडीटी की टीम अभी यहाँ पे मेकअप करा रही है एंड कहाँ से स्टार्ट करूँ को समझ नहीं आ रहा होगा. सारे ऐसे लग रहे हैं आँखों में नींद है. जॉली का देखो सोच रहा है करूँ तो करूँ क्या. उधर देखो नियो शर्मा का लॉन्ड और क्लिप लगाई हुई नियो ने. ओ भाई इसको देखो बन के सुखा रख रहा है. नींद देखो लौंडे की. सारे प्लेयर्स रेडी हैं एंड प्रीलिम्स का तो भी मेरे ख्याल से हम लोग को यहाँ पे बैठने नहीं देंगे ना कुल भाई हमें वहीं यहाँ पे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट ही नहीं है तो हमें शायद होटल जाके वहीं से देखना पड़ेगा. सो ये 720 पिक्सल्स 1080p नहीं चलेगा मेरे ख्याल से होटल में, बिकॉज 3 या 4 Mbps स्पीड है एंड प्रीलिम्स में यहाँ पे कोई सिटिंग अरेंजमेंट भी नहीं दी हुई, तो जाना पड़ेगा होटल में, वहीं जाके देखेंगे. बिकॉज प्लेयर्स को स्टडी करनी होगी कि कौन कौन सी टीम किस स्ट्रैटेजी से खेल रही है एंड फाइनल्स वाली टीम को भी ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज प्रीलिम्स अभी टीम्स आ रही हैं. और भाई क्रिकेट की बॉल लेके घूम रहे थे और इस वाले में पता है इस क्रिकेट बॉल की खासियत क्या है, यहाँ पे रोहित शर्मा की सिग्नेचर है. अब मैं कैसे दिखाऊँ, ये दिख रहा है ना, ये रोहित शर्मा की सिग्नेचर है. दिखा दो यार एक बार, इधर तो आ. जॉनी को देखो पापा की परी बना दिया, मेरे को देखो भाई का आगे देखो लाल लाल लिपस्टिक भी लगाई हुई है, नीचे करना कुछ नहीं बोलेगा वो. क्या कह रहे हो, सब कुछ स्क्रिप्टेड है यहाँ पे जो भी आगे सब कुछ स्क्रिप्ट हो रही है. सब कुछ स्क्रिप्टेड है, हमें बता रहे तेरे को क्या बोल रहा है. वीडियो जो भी देखो ये देखो खतरनाक भाषा में लिखा हुआ है. हाँ एक टेक में लेंगे लोग. Happy New Year. Thanks to bring this great game to us.
we really appreciate it and wish you all the best. Done. सही में ले लिया मैंने जैसे कैमरा उठाया तब ले लिया सबको अलग अलग हो गया सो टेक्निकल गुरुजी का भी अपना शूट चल रहा है पीछे देखो सारे प्लेयर्स का अभी हो रहा है इसके पहले आरआरक्यू डी2ई का भी हुआ था यहाँ पे ये पेपर पकड़ के सबको सामने फोटो क्लिक कराने बिकॉज ये सारे के सारे मैच वाले दिन ये दिखेंगे आप लोगों को बिकॉज मैच वाले दिन पे दे विल बी लाइक दिस अपने फोटोज पे ये सारे के सारे क्रॉप होके ऐसे आएगा सामने अगर कोई किल पॉइंट्स होगा कोई अगर टॉप रेगर रहेगा तो फिर उसके सामने ये फोटोज आएंगे तो सबका बनना जरूरी है ये अपन स्माइल तो कर ही था देख के इधर देख के तो कर अमन को देख उसकी जगह देख कर रहा अब आ गया हैकर जॉनी तेरा डायपर का है तू क्या डायपर अरे अब जय जीप निकालेगा ले जीप निकाला ले जीप जीप से ओके सो फोटो शूट हो चुका है अपना डन एंड मज़ा आया फोटो शूट पे और अभी चलते हैं होटल की साइड बिकॉज अब हम लोगों को यहाँ पे बैठने दे रहे सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है प्रीलिम्स की सारी टीमें आ चुकी है सनर्जी बैठी है आईएनडी आईएनएस वो भी सारे बैठे हुए हम लोग होटल में बैठ के ही देखने वाले हैं वहाँ पे कुछ लंच मंगवाएंगे बिकॉज मैंने पर्सनली कुछ नहीं खाया इन लोगों ने भी रात को कुछ नहीं खाया आप लोगों को ऑलरेडी मैंने वहाँ पे प्लेट्स दिखाई थी सो बहुत बुरा हाल है यहाँ पे खाने का भी देखते हैं खाने का इशू हो रहा है अभी हम लोग बिस्किट्स वगैरह लेके आए हैं मैं और गातक भाई अभी देखते हैं लॉन्च में लंच में क्या है अगर यहाँ पे अच्छा मिलेगा तो हम यहाँ जाके खा लेंगे बट वही सारी इंडियन टीम्स को दिक्कत हो रही है बात करिए टेंशन वाले लोगों से खाना तो दिखाओ खाना देखो यार खाना अभी ये एक राइस बॉल है साथ में ये बाकी सारी चीज़ें कुछ पता ही नहीं है ये एग्ज है बस दैट्स इट इसके अलावा और कुछ अपने को पता ही नहीं है यहाँ पे ये पबजी वालों को ही दिया हुआ ये पबजी वालों के लिए ये ऑमलेट है मेरी ख्याल से ये ले सकते हो ये ले सकता है मैं हम लोग लाए ये सारा सामान एक तो ये एप्पल जूस है यहाँ पे क्योंकि और कुछ पूरी सारी चीज़ें मिल रही है एक तो अपने टाइगर बिस्किट लाए हैं एंड थोड़े बहुत कुछ क्रीम बिस्किट्स लाए हैं ताकि यहाँ पे कुछ लंच का जुगाड़ हो जाए बाकी इन लोगों ने भी थोड़ा बहुत कुछ दिया है यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह एंड बर्गर वगैरह भी दिया आज हम लोग वैसे दिए गए हम लोग लेके आए हैं थोड़ा बहुत टिकटॉक लेके आए बिकॉज जॉनी सुबह ब्रश नहीं करता तो उसको ये काम जॉनी क्या बारिश आ रही है ऊपर मैंने टाइम लैप्स लगाया था टाइम लैप्स लगाते लगाते बारिश आ गया है अभी नीचे आने का मन कर रहा था बिकॉज फ्रेश एयर चल रही थी एंड आवाज़ से पता चल गया कितनी भारी मात्रा में बारिश ये हमारे होटल के बाहर का व्यू है पूरा सही बारिश आ रही है सही बारिश है भाई क्या सही बारिश आ रही है ना क्या ओके सो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना प्रीलिम्स का फर्स्ट मैच देख रहे हैं जॉनी को देखा बिल्कुल पेंगुइन बना हुआ है अभी इसकी पहले की हरकत में अगर बताऊंगा ना क्या कर रहा था ये बता दूं क्या नहीं ओ गिरा दिया मैंने तो नहीं दिया अभी चल दे दिया ऑरेंज पे भर दिया आराम से अभी देखते हैं प्रीलिम्स का डे वन कैसा जाता है होपफुली इंडियन टीम्स यहाँ पे आराम से डोमिनेट करे बिकॉज ड्रॉप्स अभी हम लोगों ने डिस्कस करा जैसे नए में ऑरेंज गया है अभी नींद करके जो मैं उठा हूँ यहाँ पे एंड अभी बाहर जाने का प्लान चल रहा है बट पहले करेंसी की बीटी हो रही है बिकॉज रिंगेट को हम लोग एक्सचेंज कराए वो महंगा दे रहे हैं 20 रिंगेट का सो बट यहाँ पे हम लोग एटीएम से निकलवा रहे हैं अभी जीपे से ट्रांसफर कर करके एटीएम में अकाउंट पैसे कुछ तो हो गए नहीं है
तो अभी डिनर हम लोग मोस्ट प्रोबेबली बाहर ही करेंगे एंड ऑल्सो कहीं और घूमने की भी कोशिश करेंगे बिकॉज दो तीन दिन है उसके बाद पूरे मैच की प्रैक्टिस चलेगी एंड फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा. आज प्रीलिम्स का डे वन भी था सो इट वेंट वेल. इंडियन टीम्स ने अच्छा करा बट अभी देखते हैं कल का भी दिन है और परसों का भी दिन है. कहीं ना कहीं पैसे स्कैम हुए हैं. स्कैम हुए तो हुए घातक भाई के स्कैम हुए बट कोई दिक्कत नहीं आ रहा. अभी इतना मोटा पैसा आने वाला है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. पैसा है भाई 2 लाख रुपए अगर 2 लाख रुपए देखो ऊपर क्यों आए अभी नंगा करेंगे क्यों बाहर नहीं जाना. बीप बीप. ओके सो अपनी आईएनडी एंड आईएनएस अभी खाना का क्या आ रहे हो क्या स्लेयर की टोपी बड़ी कुछ सेक्सी लग रही थी कुछ भी बोल पीछे से. तो कैसा रहा आज का दिन? दिन काफी अच्छा रहा. काफी अच्छा रहा. कैसा रहा? क्या एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. और ग्लोबल टीम्स के साथ कंपीट करने का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल होता है. डिवाइस कैसा रहा? डिवाइस अल्ट्रा गुड है बिकॉज उसमें एचडीआर एक्सट्रीम भी चल रहा है. ये नेक्स्ट 3 यूज़ हो रहा है. फायदे में मैंने पहले भी दिखाया था फोन बट जैसे हमारे इंडिया में यूज होता है वैसा नहीं है. इंटरनेट भी अच्छा है ऑल्सो डिवाइस भी अच्छा. तो स्किल्स के ना ऊपर पिंग जा रही है ना नीचे पिंग आ रही है. अब सोच लो किस लेवल का टूर्नामेंट होता है यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे. एंड जो स्किल सेट यहाँ पे प्लेयर्स अपने लेके आए मेरे ख्याल से 2 दिन और आराम से निकल के आएंगे. बिल्कुल बिल्कुल आएंगे. कम बैक विल बी स्ट्रॉन्ग. ट्रांस को तो नशे हो रहे भाई. और जोकर वाओ कैसे मीनू कैसे हो? बहुत बढ़िया. कैसा चला आज का स्नाइप? एक शॉट मारा एक दो शॉट. मैंने मैच नहीं देखा मैं सो गया था यार. कैसा रहा? बढ़िया था. ठीक है मजा आया. मजा आया. कार 90 वगैरह सब अच्छी चल रही है? हां कार 90 सब अच्छी चल रही है. सब बढ़िया. अरे जोकर तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉग भी अपलोड कर रहे हैं. सो कर रहे ब्रो. करना जरूरी है. सबको पता चलना चाहिए ना कि भाई आए इंडिया से लोग यहाँ पे. मलेशिया में मजा आ रहा नहीं आ रहा? तो मजा तो भाई बस खाने का पंगा पड़ रहा है यार. खाने का भी हम पीछे जा रहे हैं हैदराबादी खाना खाने के लिए. एक ही है ना यार उसके अलावा कुछ ही नहीं. बट अरे एक और यहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी करके आगे रेस्टोरेंट है. सर्च करेगा बहुत पास है. कम से कम 5 से 10 रिंगेट लेगा और आराम से. नहीं देखे हम कल जाएंगे. अभी हैदराबादी खाने जाएंगे. हम निकल ही जाएंगे दूसरे जगह पे. अभी तो डोमिनोज आगे है. वहाँ भी है क्या? डोमिनोज है आगे है थोड़ा. पर वहाँ भी तो ठीक ठाक था वो तो. फिर ठीक है चलो ठीक है देखते हैं. ओके सो हैदराबादी रेस्टोरेंट में आके ही यहाँ पे हमने सोचा कि आराम से बैठ के खाएंगे बट ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिक आई हुई है. अपनी सोल की टीम आई हुई है. स्पार्की भी आया हुआ है यहाँ पे. सारे के सारे खा रहे हैं अभी. चल मार रहे. मैं आराम से बैठ के खाएगा बाद में मिलवाते हैं सबसे धीरे धीरे करके. अभी आराम से अभी बैठते थोड़ी देर. चल मार. टिक्का मसाला एक तंदूरी चिकन मसाला. यहाँ पे आके ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है बिरयानी खानी है रोटी खानी है क्या खाना है. बड़ी रोटी खाना ठीक है बट अब देखते हैं. नान रोटी डिजर्ट भी है बट रोटी बाहर आके कुछ ही ऐसा बटर रोटी ना इंडियन तो क्या ही मजा. बटर रोटी का सारे सारे इंडियन प्लेयर्स यही आ रहे हैं खाने बिकॉज वहाँ पे टेंशन वालों ने फिर वही करा के नहीं था बिकॉज सारी टीम वही खा रही है जो चावल दे रहे हैं. फिर चावल फीके चावल फीके चावल है उसमें नमक भी नहीं है और सी फूड भी मेरी ख्याल से सी फूड ही है और वहाँ पे वो सारी चीज़ हम नहीं खाते भाई. देख के ऐसा बोलो कि भाई उन लोगों ने क्या सर्व कर दिया. फिर वही है कि अभी इंडियन खाना अगर मिल गया है. हैदराबादी रेस्टोरेंट बहुत पास है. लिटरली 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे अपने होटल से. ओके तो सोल टीम यहाँ पे जा रही है. सो जस्ट सेइंग हाय टू देम बिकॉज पहले मिले नहीं थे. कहाँ गए? हाय क्लच गॉड. मेरे को नहीं मॉडल पहले क्लच गॉड मॉडल नहीं क्लच गॉड. बाय गाइस. रेगा ए आना आना अभी सर. वाइपर वाइपर आजा. अरे गातक भाई खड़े हो ना. नियो आना. कुल भाई आओ. अमन